कैसा था मेजर ध्यानचंद का प्रदर्शन? क्या है राष्ट्र खेल दिवस का समारोह? 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं राष्ट्र खेल दिवस? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर। आज हम बात करेंगे हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की। राष्ट्र खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए राष्ट्र खेल दिवस, इसके इतिहास, महत्व और मेजर ध्यानचंद के बारे में अधिक जानें। हर साल 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्र खेल दिवस मनाया जाता है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेल खेलने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। भारत ने कई खेल महारथियों को जन्म दिया, जैसे पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, और मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया था। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। हॉकी के जादूगर और जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। हर साल 29 अगस्त को पूरी दुनिया में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। खेल खेलने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। भारत के कई खेल महारथी हैं, जिन्हें आगे पहुंचाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस का प्राथमिक उद्देश्य खेलों के महत्व और दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारत सरकार भी राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, आयोजन, सेमिनार आदि आयोजित करता रहता है। फिट इंडिया वेबसाइट के अनुसार इस दिन खेलों के मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अनुशासन, दृढ़ता, खिलाड़ी भावना और टीम वर्क और बड़े पैमाने पर लोगों को खेलों को अपनाने के लिए, अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही फिट और स्वस्थ रहने के महत्व पर जोर देना। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को वर्तमान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ। बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ध्यानचंद 1922 में एक सिपाही के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए। मेजर ध्यानचंद एक सच्चे खिलाड़ी थे और उन्हें हॉकी खेलने के लिए सूबेदार मेजर तिवारी ने प्रेरित किया, जो स्वयं एक खेल प्रेमी थे। ध्यानचंद ने उन्हीं की देखरेख में हॉकी खेलना शुरू किया और हॉकी में अपना बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ध्यानचंद को 1927 में लांस नायक नियुक्त किया गया और 1932 में उन्हें नायक और 1936 में सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी की और वे लेफ्टिनेंट और कैप्टन बने और अंततः मेजर के पद पर पदोन्नत हो गए। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी थे। अगर कोई गेंद उनकी स्टिक में फंस जाती थी तो गोल हो जाता था। यही कारण था एक बार उनके मैच के दौरान उनकी स्टिक को तोड़ दिया गया, ताकि जांचा जा सके कि स्टिक में कोई चुंबक या कोई और दिक्कत तो नहीं। राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसका आयोजन हर साल राष्ट्रपति भवन में किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति देश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। अब आइए सुनते हैं खुद हॉकी प्लेयर्स और खिलाड़ी स्टूडेंट से। ये भी आज पूरा देश खेल दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे खेल दिवस को लेकर? खेल दिवस को लेकर यही कहेंगे कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों में सबसे ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है खेल के लिए। खेल का नाम जब भी हम लेते हैं तो हम लोग का सबसे पहला थॉट आता है कि यंग बच्चे खेलेंगे, छोटे बच्चे खेलेंगे। पर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि खेल दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं तो सभी एज ग्रुप के लोग हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर हो, सारे लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि जोश के साथ और खेल के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। आज पूरा देश मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस मना रहा है, उनका जन्म दिवस और उनका जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में, क्या कहेंगे मेजर ध्यानचंद? जैसा हम सब जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर रहे हैं, जिस तरह से हमारी झांसी झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, उसी तरह मेजर ध्यानचंद जी की वजह से भी हमारी झांसी का बहुत नाम है। वो खेल के जादूगर रहे हैं तो जिस लगन के साथ वो अपने खेल के लिए समर्पित रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम सभी और जितने भी स्पोर्ट्स में खिलाड़ी हैं
वो सारे अपने खेल के लिए उतना ही समर्पण भाव दिखाए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इन्हीं सभी सम्मानों के साथ साथ इस दिन ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।